हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी पल्स पीढ़ी साथियों का हमारे स्ट्रीम इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ हमने अभी अभी आधे घंटे पहले डाली है दोस्तों, उस पर्पस में आपसे हम दो शब्द कहना चाहते हैं दोस्तों। वो ये कि हमने जो ऑल इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशंस की एक पोस्ट डाली है, उस पोस्ट में हमने आपको बताया कि 25 नवंबर को एक महाधरना होने जा रहा है। तो दोस्तों, उस पर्पस में आपसे जो दो शब्द हैं हमारे दोस्तों, वो ये हैं कि उसमें हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है और उसमें हमने आपको शुरू में ही नवंबर की जगह दिसंबर बोल दिया था, क्योंकि ये जो हमारे पास पोस्ट आई है वो इतनी बारीक लिखी हुई थी कि हमारा ध्यान पूरा उसको पढ़ने में लगा हुआ था बारीकी से। तो दोस्तों, उसमें नवंबर की जगह दिसंबर कह बोल दिया गया है, लेकिन बीच में सब कुछ सही दिया गया है। तो दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारी इस गलती को क्षमा करें ताकि आप लोगों को भ्रम ना हो सके। तो दोस्तों, आपसे हमारा यही कहना है कि 25 नवंबर को जो समस्त भारतवर्ष के जितने भी जिला, जी हाँ दोस्तों, जिलों में इनके सेबी विभाग हैं और सेबी विभागों पर जो धरना का ये ऑल इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें आह्वान किया गया है। तो दोस्तों, ये किया गया है कि आप सभी अपने क्षेत्रीय सेबी विभाग पर 25 नवंबर को, जी हाँ दोस्तों, ये रणनीति बनाई गई है कि 25 नवंबर को आप लोगों को वहां पर अपने जनाधार को लेकर सेबी विभाग पर दबाव बनाना है, और इस दबाव बनाने में आपका पैसा मिलने का जो प्रोसीजर है कुछ तेज चल सके। तो दोस्तों, इस पर्पस में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ऑल इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन ISO की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा संगठन है जो गैर सरकारी संगठन है, लेकिन ये रजिस्टर्ड संगठन है और ये 4.5 साल से प्रयास कर रहा है आप सभी निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आपको स्ट्रीम न्यूज़ चैनल से दी जा रही है, और आपको आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपका 25 नवंबर का जो ये धरना होगा, ये लगभग 2 बजे से शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है, आप अपना समय निकाल कर अपने क्षेत्रीय सेवी विभाग पर जाकर वहां पर धरना प्रदर्शन करें ताकि आपका दबाव सरकार और सेवी विभाग पर बन सके, और ये कछुआ चाल जो इस वक्त प्रोसीजर की चल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो खैरात में भीख मंगो वाली इन्होंने प्रोसीजर चालू की है 5,000 की, तो दोस्तों, इस 5,000 से किसी निवेशक का कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी पल्स इंडिया लिमिटेड के, जी हाँ दोस्तों, जो स्कीम थी पैसे RDFD की, उसमें कोई ऐसी स्कीम नहीं थी जिसमें 5,000 का कोई खाता हो। तो दोस्तों, वहां पर सबसे छोटा निम्न भी नहीं कह सकते, बिल्कुल गरीब वर्ग के लिए 7,500 का एक खाता था, चाहे वो FD खाता हो चाहे वो RD खाता हो। RD खाते में 110 रुपये मंथली का था, चाहे वो छमाही या तिमाही या सालाना करता हो, और FD एक प्लान वो भी 7,500 से स्टार्ट होता था। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस वक्त सेवी विभाग को ये नहीं पता कि पल्स इंडिया लिमिटेड के FD RD के जो प्लान थे उसमें कौन सी इकाई का पैसा निवेशकों तक पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी सार्वजनिक तौर से हम निवेशकों तक इन्होंने अपनी, जी हाँ दोस्तों, पैसे देने की प्रक्रिया मात्र एक आदेश आ जाता है कि सेवी विभाग की पोर्टल पर कि हमने 5,000 का प्रोसीजर चालू कर दिया, लेकिन दोस्तों, उसका कोई कहीं से कहीं तक कोई हम लोगों को सार्वजनिक तौर से ये नहीं बताया जाता कि ये कौन से खाते हैं, छूटे खाते हैं, और या कौन सी इकाई के उठाकर ये पैसे देने का प्रोसीजर चलाया गया। दोस्तों, अगर 7,500 का प्रोसीजर जो पहला इकाई का है, अगर वो चालू किया जाता तो हम मान लेते हैं कि 7,500 भी निवेशकों को दिया जा रहा है, और इस 7,500 के प्रोसीजर में जिन निवेशकों के छूट गए थे खाते, उनका पैसा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यह भ्रम भ्रांति इस वक्त हम लोगों के सामने है, क्योंकि सार्वजनिक तौर से यहाँ पर भी हमें गुमराह किया जा रहा है, और सबसे बड़ा गुमराह तो इस वक्त, जी हाँ दोस्तों, मीडिया कर रही है, क्योंकि मीडिया को हम देख रहे हैं कि जो भी बड़े चैनल वाले हैं वह हैं, कितना भी बड़ा धरना प्रदर्शन क्यों ना हो, लाखों की संख्या में क्यों ना हो, किसी भी चिट फंड कंपनी का क्यों ना हो, क्योंकि भारतवर्ष में 3,000 से ज्यादा कंपनी इस वक्त बंद की गई है, जिसमें रजिस्टर्ड कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं और झोला छाप कंपनियां भी हैं। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है कि झोला छाप से मतलब ये है जो गैर रजिस्टर्ड है, जो इन नेताओं और
माफियाओं के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, साल दो साल में जो पैसा लेकर हड़प कर भाग जाती हैं, उनके लिए कोई प्रोसीजर तो नहीं है। लेकिन दोस्तों हम ये ज़रूर आपको बताएंगे कि उनके साथ साथ रजिस्टर्ड कंपनियों के ऊपर भी ये गाज गिराई गई है। उस गाज के साथ साथ दोस्तों एक ही कंपनी पल्स के 49,100 करोड़ रुपया इस वक्त सेवी विभाग पर अटका हुआ है। तो आपसे हमारा अनुरोध है दोस्तों, अपनी खून पसीने की कमाई को पाने के लिए आप सेवी विभाग पर धरना प्रदर्शन करने जाएं। दोस्तों हम जानते हैं कि आपका समय बहुत कीमती और बलवान है, लेकिन दोस्तों आपका खून पसीने के पैसे का, जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा सवाल आपके सामने है। अगर आप झुक गए तो दोस्तों आपका पैसा मारा जाएगा, अन्यथा आपसे हमारा अनुरोध है, अगर आपको अपना पैसा पाना है तो आपको एकजुट होकर और सबको पहले आप वाली रणनीति के तहत आप वहां पर पहुंचे और 2 बजे अपना फुल जोश शोर से अपने धरना प्रदर्शन को करें। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है खबर। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यूएस खान को दें ज़्यादा धन्यवाद। जय